अच्छा बेटे, जो आज हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने जो सीखना बेटा आज सीखना है वो मुझे एक बात बताओ बेटा। फर्ज करो आपको बिजनेस करना चाहते हो, लेट्स से आजकल आपने देखा है एक बिजनेस सेंटर हुआ है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसमें एक्सेल किया जा सकता है। वो आपने देखा होगा कुछ शॉप्स के ऊपर या बड़े अच्छे जनरल स्टोर्स के ऊपर उन्होंने जो प्लास्टिक बैग थे वो खत्म कर दिए हैं, देखा है आपने ये? जी सर, और उसकी जगह वो कपड़े के बैग को ले आए, ऐसे ही है ना? जी सर, उसके 10-15 रुपए अलग से चार्ज। हाँ, उसके 10-15 रुपए, वेरी नाइस। जैसे केक सेंड बेक्स है जी, वो मैंने वहीं से लिया आपको, था। अभी हाँ चलो मैंने भी वहीं से लिया इसलिए मुझे याद रहता है। ये जो केक्स एंड बेक्स है ये क्या कर रहा है, आपसे पैसे लेता है और अपनी शॉप की एडवर्टाइजमेंट करता है, कैसा है? ऐसे ही है ना? जी सर, क्योंकि वो प्रिंटेड होते हैं। वो प्रिंटेड होते हैं, कैसा उसने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपके ऊपर डाला और इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया। ऐसा ही होता है। एक सिचुएशन का फायदा उठा के बस, वो गवर्नमेंट का नाम है, अंदर काम अपना है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसका क्या कहते हैं, अल्लाह अल्लाह का बंदा नाम करता रहता है, लोगों को लूटता रहता है। चले जी, तो ये बिल्कुल ऐसे ही बेटा। तो अगर अब आप देखो, बिल फर्जी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर जाती है, डेफिनेटली से कोई मशीन मैन्युफैक्चर तो कर ही है ना, ऐसी ना बेटा? जी सर, जो कोई मशीन इसको मैन्युफैक्चर कर रही है वो बड़ी जो है उसके डेफिनेटली सी बात है कि आपको एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। एक्सपेंस मतलब सॉरी, इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इस मशीन की, इसको परचेज करने के लिए। ऐसे बेटा, जी सर। तो एक तो जिसे हम सब्जेक्टिव अप्रोच या थेरेटिकल अप्रोच कहते हैं वो तो ये है, यार ये नया बिजनेस सेंटर हुआ है, इसके अंदर कंपटीटर्स नहीं है तो इसको जो है ना शुरू कर लेना चाहिए। कंपटीटर्स नहीं है, थ्योरेटिकल अप्रोच है तो हमें सारे का ज्यादा ज्यादा, या ये इतने कंपटीटर नहीं है, ज्यादा नहीं है इन हो रहे अभी, तो हम इस मशीन को परचेज करते हैं और ये बनाना शुरू करते हैं और इसका बिजनेस करते हैं। ये तो हो गया इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच। जैसे बिल्कुल स्टॉक मार्केट के अंदर कोई शेयर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, कोई शेयर जो होता है वो डाउन फ्लो कर जाता है, तो उसमें देख रहे होते हैं नहीं यार ये इस तरह हो रहा है। कुछ थ्योरेटिकल अप्रोच ये भी होती है कि किसी जैसे नवाशिफ गवर्नमेंट आती थी तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के शेयर अक्सर महंगे हो जाते थे कि नवाशिफ आ रहा है तो ये जो है क्या कहते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनीज, कंस्ट्रक्शन का बड़ा काम होता है इसके दौर में, तो उनके शेयर ले लो, उसका बिजनेस अच्छा चले। ये थ्योरेटिकल अप्रोच। लेकिन आपने गौर किया, आपने शेयर वैल्यूएशन भी की, आपने बॉन्ड वैल्यूएशन भी की, वो एक टेक्निकल अप्रोच थी, न्यूमेरिकल अप्रोच थी ना आप लोगों ने, कि जी शेयर की ये प्राइस होनी चाहिए, जी सर, वो डाउट। वो भी हमने की। इसी तरह एक थ्योरेटिकल अप्रोच तो ये है कि कंपटीटर कोई मौजूद नहीं है या कम से कम है, ये हमें कर लेना चाहिए बिजनेस इसका, कम से कम लोग हमारे पास है इस वक्त। एक तो ये अप्रोच है बेटा, और एक अप्रोच इसकी भी अंदर सब्जेक्टिव अप्रोच से हटके न्यूमेरिकल अप्रोच है, सिस्टमैटिक अप्रोच है। उस सिस्टमैटिक अप्रोच को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग, कि जो कैपिटल आप इन्वेस्ट करने लगे हैं इसकी आपको बजटिंग भी करनी चाहिए। बजटिंग से मुराद क्या है, मशीन का ताल्लुक सिर्फ कैश आउटफ्लो से नहीं होता बेटा। ये जो आप मशीन परचेज करोगे सिर्फ कैश आउटफ्लो इसका ताल्लुक नहीं है, जब ये मशीन आप चलाना शुरू करोगे तो इससे आपको जनरेट होगा कैश इनफ्लो, ऐसे ना बच्चे? जी सर, जब आप मशीन को परचेज कर रहे हो तो डेफिनेटली कैश आउटफ्लो तो होगा। अभी तो मैं सिर्फ एक आउटफ्लो आपको एक प्रोजेक्ट से समझा रहा हूँ, जो नोट्स में रात को 9 बजे तक इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, उसमें बकायदा पूरे कैपिटल बजटिंग की तारीफ क्या है, फिर नीचे उसकी टेक्निक्स जो है कैसे इनको करते हैं उनकी तारीफ किया है, कि हर एक की दो दो एग्जाम्पल ही मैंने उसमें दी है ताकि
जो मैं हम मुझसे पढ़े तो किसी को ना समझे तो एग्जाम्पल से फौरी समझ आ जाए, ठीक हो गया जी। तो अच्छा बच्चों, तो कैपिटल बजटिंग में आपने देखा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग ये है कि भाई ये मशीन आपने थ्योरेटिकल अप्रोच पर तो ले ली, और वो थ्योरेटिकल अप्रोच क्या है, इस थ्योरेटिकल अप्रोच में ले ली मेरे बच्चों, इस थ्योरेटिकल अप्रोच में मेरे बच्चों ले ली कि जी न्यू बिजनेस है, कंपटीटर नहीं है तो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। अब देखना ये चाहिए, ये जो मशीन हम परचेज करेंगे क्या इससे इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कि हमें प्रॉफिट्स हो जाए, ये ना हो कि आप इस मशीन को ले तो ले और आप कहें जी कंपटीटर मौजूद नहीं है और आप अपने कस्टमर ही ना बना सको तो आपको लॉस हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी सारी रिसर्च शुरू कर देते हैं कि हम कितने कस्टमर्स को ये सप्लाई कर सकेंगे, उससे हमें पता लगता है कि कितने हमें बनाने पड़ेंगे, उससे हमें ये पता लगता है कि किस सेल पर किस प्राइस पर कस्टमर हमसे लेने को तैयार है, वहां से हमें पता लगता है जनाब अली इतने इनफ्लोज हमारे पास आएंगे, ये आउटफ्लो करके। लेट से मैं आपसे एक बात कहता हूं कि फर्ज करें मशीन जो है लेट से वो 100 रुपीज की है और आपको ये जनरेट करके देती है लेट से 110। हम में कहते हैं एक साल की प्रोजेक्ट, बताएं मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। चलो ये अभी आपको छोटा लगेगा काम, हम कहते हैं जी 100 मिलियन की मशीन है, 110 मिलियन जनरेट करके देगी एक साल में, बताएं एक्सेप्ट करूं प्रोजेक्ट या मशीन लूं या ना लूं। जी बिल्कुल सही कह रहे हो मतलब बच्चे, एक्सेप्ट करना चाहिए भाई 100 रुपए लगा कर 100 मिलियन लगा कर 100 मिलियन लगा कर 110 मिलियन हमें जनरेट होकर आ रहे हैं एक साल बाद, तो हमें ये जरूर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए प्रोजेक्ट कि नहीं करना चाहिए। हाँ भी बच्चों क्या ख्याल आपका, करना चाहिए सर, प्रॉफिट होना बिल्कुल। और जब मैं इसमें ब्रैकेट में दे दू ना इसका मतलब है ये आउटफ्लो है, इनफ्लो पॉजिटिव में हम रखते हैं और ब्रैकेट में या माइनस साइन के साथ हम आउटफ्लो शो करते हैं, याद रहेगी ये बात, ठीक हो गया। रीजन क्योंकि इसमें से एक ने माइनस होना है तो जिसने माइनस होना है हमने उसे माइनस में लिख लिया, प्रॉफिट निकालने के लिए। अगर तो आंसर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर ले प्रोजेक्ट, अगर आंसर नेगेटिव है तो रिजेक्ट कर दे प्रोजेक्ट, यही अप्रोच होती है ना बेटा। यस सर। लेकिन हम इसमें एक चीज भूल गए, वो ये भूल गए कि जब हम कंपनी में होते हैं, मैं चार चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, एक तो ये कि आप अपना ओनर अपना पैसा लगा दे, अगर अपना कोई छोटा सोल प्रोप्रेटरशिप का बिजनेस है, एक तो ये है कंपनी में आ जाए तो आप लोन ले ले बैंक, एक ये है प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे कंपनी, एक ये है ऑर्डिनरी शेयर इशू कर दे। अब मुझे एक बात बताएं, आप ओनर को भी भूल जाओ, ये बताओ जरा बैंक क्या आपको लवाज़ से पैसे देगा? नहीं सर, वो इंटरेस्ट लेगा, वो इंटरेस्ट लेगा आपसे। ये प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स आपको लवाज़ से पैसे देंगे? नहीं सर, वो आपसे क्या लेंगे, क्या डिमांड करेंगे? डिविडेंड। एग्जैक्टली डिविडेंड डिमांड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बिल फर्ज अगर मुझे बैंक ने 100 मिलियन दिए होते तो बैंक मुझसे ये कह देता बिल फर्ज के जी ये 12% मुझे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिविडेंड वालों को हम देते वो हमसे कह देते कि जी तकरीबन एवरेज हमें 12% आना चाहिए। अब देखें इस प्रोजेक्ट को, फर्ज करें मैं बैंक से लोन लेता हूं 100 मिलियन, मैंने ले लिया जी 100 मिलियन लोन, ले लिया बेटा 100 मिलियन का लोन, बैंक ने कहा था 12% मुझे वापस करना है, इसका मतलब एक साल बाद मुझे 112 मिलियन वापस करना पड़ेगा, और मैं कमा कितना रहा हूं,
110. अब मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं सर, कतन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी नेगेटिव हो गया। हाँ, ये तो हमें लॉस होगा, ये हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो अब जो सवाल ये पैदा होता है बेटा, कि हमें जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी कॉस्ट को जरूर मद्देनजर रखना पड़ेगा। कॉस्ट से मुराद क्या है? बैंक को हमने पे करना है बेटा क्या? इंटरेस्ट। अभी आपने कहा था कि 12% बैंक मांग रहा है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, लोन को डेट कहते हैं ना बेटे? जी सर। तो कॉस्ट ऑफ डेट कितना हुआ बेटा? 12%। ठीक है, इसका एब्रीवेशन होता है के और डी। अगर आपको कहीं भी ये सर के और डी लिखा हुआ है 12%, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ डेट 12% है। अगर 100 रुपए उधार लोगे तो 12 रुपए इंटरेस्ट दोगे, अगर 1000 रुपए उधार लोगे तो 120 रुपए इंटरेस्ट दोगे। समझ आ गए बेटा ये? जी सर। अच्छा, अब आ जो अगर प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आप इश्यू कर देते हो, तो प्रेफरेंस शेयर्स वाले भी तो आपसे डिविडेंड डिमांड नहीं करते, और उस पर भी वो कहते हैं जी हमें भी 12% डिविडेंड चाहिए बिल फर्स। तो ये हमारी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना था बेटा? 12% कहलाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डेट में केडी एब्रीवेशन है, तो इसका एब्रीवेशन क्या होगा? के ही रहेगा, लेकिन हम पी लगा देंगे। याद रहेगी ये बात? जी बच्चों, याद रहेगी ये बात? जी सर, इंशाल्लाह याद रहेगी। जी सर। ओके, जी सर। अच्छा, अब आज अगर आप कहते हो कि नहीं यार हमें प्रेफरेंस शेयर्स वालों से नहीं लेना, हम ऑर्डिनरी शेयर्स को इशू करते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स को अगर हम इशू करेंगे बेटा, उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी इक्विटी। ऑर्डिनरी इक्विटी जो है, अगर हम इसको इशू करते हैं तो हम इसे कहेंगे, इसके ऊपर भी तो डिविडेंड देना है ना। लेट से वो हमसे ये तो नहीं कह सकते कि हमें 12% ही दो, लेकिन हमसे वो ये तो कहेंगे ना कि हमें डिविडेंड चाहिए। जी सर। हाँ, ऑर्डिनरी इक्विटी वाले हमें पाबंद नहीं कर सकते कंपनी को, जी हमें इतना परसेंट चाहिए, नहीं। लेकिन हमारे जहन में एक चीज रहेगी बेटा, जो कम रिस्क है वो लोन है। लोन वालों का कम रिस्क है ऑर्डिनरी इक्विटी वालों से, क्योंकि लोन वालों को पहले पैसे मिलते हैं, इक्विटी वाले को डिविडेंड बाद में मिलता है, ऐसे ही है? जी सर। तो ये कम रिस्क वाले 12% डिमांड कर रहे हैं, तो डिविडेंड वाले डेफिनेटली अपने जहन में इससे ज्यादा ही रखकर चलेंगे कि नहीं? तो हम उनकी समझ लेते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स वाले जो है ना, लेट से हमारे ध्यान में ये कि यार इन्हें 40% तो देना चाहिए ना, वरना अच्छा इमेज नहीं जाएगा। तो ये जो इक्विटी को दिया जाता है, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और इसका एब्रीवेशन होता है के ई इज इक्वल टू लेट से 14%। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई कि कोई अल्लाह वास्ते आपको पैसे देने को तैयार नहीं है। अब आए जी, आपका बिल फॉर सोल प्रोपर्टरशिप है। सोल प्रोपर्टरशिप में बात की जा सकती है कि सर ये तो पैसे ही मेरे हैं, मेरा एक जनरल स्टोर है, ये तो पैसे ही मेरे। लेट से मैंने 100 मिलियन का एक सुपर स्टोर बना दिया और मुझे से 110 मिलियन आ रहा है, तो ये तो पैसे ही मेरे हैं, ये तो मैंने किसी से नहीं लिए। अब बताए मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट कि 100 मिलियन लगा के 110 आ रहा है, तो मैं इसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं? ये तो मैंने किसी को नहीं देने। यस सर, कर लें, कर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही ये पता लगता है कि बैंक ऑफर कर रहा था उस वक्त 13% रेट, आप तो 10% कमा रहे हैं। अगर ये पैसा मैं बैंक में रखवा देता तो मेरे इतने ना हो जाते। जी सर। तो जब हम अपना पैसा देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैं अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिल रही है वो ज्यादा है, या मेरा जो प्रॉफिट मैं कमा रहा हूं वो ज्यादा है।
अगर तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और जो मैं कमा रहा हूं वो कम है तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा बन रही है, ऐसी बेटा। तो मैं अपने पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट ही तब करता हूं जब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो। ये अपॉर्चुनिटी जो एग्जिस्ट कर रही है क्या ये 10% से ज्यादा नहीं है? ज्यादा है सर। तो इसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है इसलिए इन्वेस्ट मत करो। लेकिन अगर ये होती 6%, अब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कम है, इन्वेस्ट कर देने से मैं इसमें रहूंगा। समझ आ गया अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट? जी सर। ठीक है, दो एंगल की तरफ से आप देख सकते हो, इधर से देखोगे तो ये अपॉर्चुनिटी है, इधर से देखोगे तो ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा इधर से देखते हैं कि हमने अपना बिजनेस करना है तो इस बिजनेस के साथ अपॉर्चुनिटी और कौन सी है। तो सिंपल सी ये देखते हैं, मर्ज करो। अब इसी तरह आप देखो, आपने देखा कि आपके पास तीन अपॉर्चुनिटीज और भी तो एग्जिस्ट करती हैं। आप लोन ले लो, आप प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर दो, आप ऑर्डिनरी इक्विटी इश्यू कर दो, ये भी तो अपॉर्चुनिटीज है एक दूसरे के ऊपर। तो जहां से हमें रेट कम मिल रहा होता है हम कोशिश करते हैं उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, हम इंटरेस्ट की तरफ आने। इसकी तरफ हमारी कोशिश होती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि लोन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट ज्यादा किया हुआ है बैंक ने, स्टेट बैंक ने, क्यों? क्योंकि बाहर पैसा बहुत ज्यादा आया हुआ है, फिर हम कोशिश करते हैं अपनी रिटेन अर्निंग्स को लेते हैं। रिटेन अर्निंग्स इटसेल्फ ए पार्ट बेटा इक्विटी, ऐसे ही बेटे। तो ये भी तो शेयर होल्डर का ही पैसा है ना जो इस्तेमाल करने जा रहे हो। खैर, इतनी डिटेल में भी हम नहीं जाते। यहां तक आपको बात समझ आ गई कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किसे कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट किसे कहते हैं बेटा? यस सर। गुड, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपने कहा कि सर जी 100 रुपीज का मैंने अगर लोन लिया था तो मुझे तो उस पर 10% देने थे, इसका मतलब एक साल बाद मुझसे डिमांड की जाएगी 110 मिलियन और 12% हमने रेट रखा हुआ था, तो मुझे तो 112 करके देने हैं। मैं कमा 110 रहा हूं, मुझे तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक हो गई ये बात जी, क्लियर हो गया बेटा? जी सर। तो हम क्या करते हैं, हम ये डिसीजन जो हमने फ्यूचर में जाके करना है हम प्रेजेंट में कर लेते हैं, उसके लिए हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की मदद लेते हैं। ये सारा कुछ आपको जो कल कोर्स पढ़ाया जाएगा ना, ये सारा उसमें आएगा एग्जाम्पल समेत, आपको फर्क वाजे होता जाएगा। उसमें मैंने जो डिफरेंस है वो तक लिखा है कि देखो इस टेक्निक में ये डिफरेंस है, इससे इससे ये टेक्निक में ये डिफरेंस है, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं पूरी कोशिश करता हूं। अभी सिर्फ समझो कि कैपिटल बजटिंग कहते किसे हैं। तो कैपिटल बजटिंग आपको समझ में आ गई, यार ये तो है कि डिसीजन कैसे लें कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट को या रिजेक्ट करना चाहिए। तो बेटा 6 टेक्निक्स बनाई गई उसकी, उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। आप लोग क्रिकेट मैच खेला कभी जिंदगी में? यस सर। आप लोग जब भी मैच करते हो, और मुझे तो याद है हमारे वक्त में जो बड़ा मैच होता था वो होता था 100 रुपए का, बहुत बड़ा मैच होता था। नाश्ता लगते हैं, लगाते हैं है? नाश्ता, अब तो नाश्ता हो गया हमारे दौर में बेटा 100 रुपए का। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे दौर में जब 2 रुपए का नान था, जब हम इसमें आए, और 5 रुपए का ये चने का पूरा प्याला मिलता था। सर टेप तो कितने की थी, नीटो टेप कितने की थी? नीटो टेप होगी इस वक्त यार मेरे ख्याल से कोई 12 रुपए की। सर वो सारे इकट्ठे पैसे डाल के लेते थे? हाँ सारे पैसे इकट्ठे करते थे हम लोग। सर दोनों टीमें? दोनों टीमें नहीं, मतलब हमारी अपनी टीम होती थी और क्या कहते हैं उनकी अपनी टीम, वो अपनी टेप बोल लाएंगे, हम अपनी टेप बोल लाएंगे। जी जी। और मुझे क्या याद आ गया, मैं आपको मजीब आप बताता हूँ। अब इतने ग्राउंड में खेल रहे होते, क्योंकि मेरे जो ग्राउंड थे ना पास बेटा, एक तो मेरे घर के सामने खुद ग्राउंड तो था उस वक्त, वासा का ग्राउंड था तो, या नेहरू पार्क था, ये हमारे घर के करीब ग्राउंड थे।
तो हम जब वहां खेलते थे ना तो बहुत सारा रश होता था, तो एकदम बॉल आई और हमारे पास ही हमने फौरन छुपा ली। जी सर। तो ये भी दौर होते थे या किसी के पास हमारे चलिए हम ढूंढ रहे हमें पता ही लगा कहां गई। ये भी एक टेक्निक होती थी। तो टेक्निक समझानी थी, देखो टेक्निक आपको समझ में आएगी कि बॉल को गायब कैसे करना, ये भी एक टेक्निक थी। और बाद में शक्लें ऐसी बना लेना, नहीं यार इधर तो कोई नहीं है भाई, आई उधर देखो यार उधर मैंने जाती देखी थी, ये भी एक टेक्निक थी। फिर शक्ल ऐसी बना लेना। तो आप लोग अपने वालदैन से बचपन में पैसे मांगते थे, कैसे मांगने हैं, किस तरह मांगने हैं, ये पैसे इस तरह मांगे, वाले साहब ने पूछना है कि भाई क्या करने तुमने, अभी तुझे सुबह तो मैंने दिए थे, इस तरह के होते हैं ना जवाब। अच्छा नहीं यार मैं जब मांगता था ना तो मुझसे ये दो सवाल होते थे, तुझे अभी सुबह तो दिए थे, और फिर अच्छा तू ले ले पैसे करेगा क्या, ये मेरे से दो सवाल होते थे। ये दो सवाल के जवाब देना भी एक टेक्निक थी। तो इसी तरह बेटा आपका मैनेजर आपसे पूछ रहा है यार ये प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, बता एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ठीक है आपके जिम्मे उसने डाल दिया कि तुम भी तो असिस्टेंट मैनेजर हो, जरा बताओ मैनेजर का मेन काम तो है तुम मुझे इसमें असिस्ट करो। आपने कहा सर बात ये कि छह किस्म की टेक्निक्स हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ये मिटा दो बेटा ये जो मैंने लिखा है, मिटा दे सर। अच्छा बच्चे तो आज मैं यूनिवर्सिटी गया हुआ था कैंपस, कल गया था बल्कि, मैं बात कर रहा था कि मेरा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि ये जो मुझे बीबीए 2 इयर्स मिला है ना, स्पेशली ये जो 2 इयर्स है, 4 ईयर नहीं और एमबीए नहीं, ये बड़ा रिस्पेक्ट करता है, इसने ऑनलाइन में मुझे जरा तंग नहीं किया। शुक्रिया सर जी। तो ये है हकीकत बात है बेटा, जिसकी तारीफ ओ, देखो तारीफ हो जो दूसरा करे और उसकी गर्ज भी ना उसमें, और ये करते रहना चाहिए, इससे बड़ी मदद मिलती है बच्चों को उनके अपना बिहेवियर ठीक करने में, या उनका कहीं मिस्टेक हो रही है उसको ठीक करने में, तो उनको मदद देनी चाहिए। देखिए मैंने गलत नहीं की, आप लोग खुद इसके गवाह है कि आप लोगों ने मुझे पूरे उसमें नहीं तंग किया, कहीं कोई भी बात की है वो रिस्पेक्ट के अंदर की है, आप लोगों ने एक दायरे के अंदर रहकर सामने वाले को देकर, यार हम किससे बात कर रहे हैं। आपकी नेचर भी बहुत अच्छी है बेटा, यही तो बात है, आपकी नेचर भी बहुत अच्छी है, यही तो बता रहा हूं ना बच्चे, तारीफ हो कि जो सामने वाला करे। तो ये चीज मैं आज उनसे डिस्कस कर रहा था कि मुझे बिल्कुल उन्होंने तंग नहीं किया मैडम, इससे ये पता लगता है जो आपकी नई जो फैकल्टी में है उससे ये पता लगता है, मैं कहा उनको कि इसका हासिल क्या है। देखो मैं जब भी कोई बात करता हूँ ना किसी से, एक जिक्र जरूर करता हूं कि इसका, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल बेटे, कि इसका हासिल क्या, इसका हासिल ये है कि बच्चे अच्छा बनना चाहते हैं अगर उन्हें सिखाया जाए, वो सीखने को तैयार है। और सर आप सही कह रहे हैं, हाँ वो सीखने को तैयार है, और जबर के मुकाम से नहीं उन्हें गुजारना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने जबर को मना फरमाया है, रीजन वजह, जो भी तब्दीली जबर के तहत की जाती है ना वो तब तक रहती है जब तक जबर ऊपर मौजूद रहता है, जैसे जबर हटेगा ना वो तब्दीली खत्म हो जाए। अल्लाह ने ये कायदा कुलिया रखा है कि मोहब्बत से तब्दीली लाई जाए वो हमेशा रहेगी, मतलब ये कि बुरे से कभी नफरत नहीं करते, बुराई से नफरत करते हैं जो उसके अंदर है, और उसकी नफरत करने का तरीका ये है कि वो आप में नहीं होनी चाहिए अगर आपको बुरी लगती है, और उस बुराई की वजह से उस बुरे को कोई आपसे काम पड़ गया है तो आपकी नजर में उसकी बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुरे से नफरत करने का हुक्म नहीं है। तो बच्चा सीखना चाहता है, सिखाने वाले के सामने ये मियार मौजूद हो कि जबर नहीं करना, ये मियार मौजूद हो कि ये कम इलम है, कम इलमी की बिना पर कोई ऐसी बात कह सकते हैं या इन्हें समझने में देर लग सकती है तो गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, ये मियार रखा जाए कि बुरे इनकी बुराई से नफरत का हुक्म है, इनसे नफरत का हुक्म नहीं है, तो सीखने वाले को बड़ी आसानी हो जाती है, सिखाने वाले को बहुत आसानी। तो छह टेक्निक्स में हम चलते हैं बेटा, जिसमें से दो टेक्निक्स तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करती, उसमें से पहली है बेटा ये
पहली जो है फर्स्ट वन वो है बेटा हम उसे कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और जो अच्छा ही आप लोग मेरे में देखते हैं ना ये बेसिकली आपके अंदर होती है, इसकी हकीकत में बताता हूं। मौलाना रहमतुल्ला रोम रहमतुल्ला साहब ने फरमाया वट एवर यू सी गुड इन मी इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर्स, ये हकीकत बात है। फूल के अंदर खुद में खुशबू होती है तो वो खुशबू देता है सामने वाले को, वो सामने लेके कोई बड़ी बात नहीं होती कि उसे उससे खुशबू मिल रही होती है, उसके अंदर मौजूद होती है। तो अगर आपको कोई चीज मेरी अच्छी लगती है तो वो आपके अंदर मौजूद है, मैं उसको पॉलिश कर रहा हूं बस। अच्छा बेटा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को हम कहते हैं ARR, ये इसका एब्रिविएशन है। नंबर टू पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड, ये नंबर टू है बेटा, पे बैक पीरियड नंबर टू है। ये दोनों जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करती टेक्निक्स, याद रहे ये टेक्निक्स पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए कि हमने डिसीजन लेना है प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये इसके बेस है। ये याद रहे कि हमने डिसीजन लेना है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है। अब अगली चार टेक्निक जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती है, नंबर तीन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नंबर फोर नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट, ये तो नाम से जाहिर है कि ये प्रेजेंट वैल्यू को जिक्र करेगी। नंबर फाइव इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम शॉर्ट वर्ड में लिखते हैं बेटा IRR, इसको लिखते हैं बेटे NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये बड़ी मजेदार टेक्निक्स है, इनको पढ़ेंगे ना आप बड़ा एंजॉय करोगे कि यार इतने आसान टॉपिक सर ने एंड में रखे हुए थे। फिफ्थ वाला आपने पढ़ लिया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वाह जी वाह वेरी गुड, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कब पढ़ा आपने, अच्छा पूछ रहे हो, नहीं बेटे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं पढ़ा अभी हमने, अच्छा समझ समझा शायद मुझे बता रहे थे, नहीं 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 बेटे अभी हमने नहीं पढ़ा। और जो लास्ट वन है बेटा वो हमारे पास है नंबर सिक्स, उसे हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, क्या कहते हैं मेरे बेटे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और इसे हम कहते हैं PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये छह टेक्निक है, इन छह टेक्निक्स को हमने कल पढ़ना है। तो और एक बात याद रहे ध्यान में, जो ध्यान रखने वाली बात है फोकस रखने वाली बात है नेट प्रॉफिट और कैश इनफ्लो या कैश फ्लो, ये सेम नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। लेट से बेटा आपके पास है प्रॉफिट 100 रुपीज, जब आपने ड्रॉ को ओपन किया ना खोला, आपकी सेल भी सारी कैश पर थी परचेज भी कैश पर थी, अजम्पशन में ले रहा हूं, आपने ड्रॉ ओपन की ना तो उसमें से निकला है 120, नेट प्रॉफिट तो 100 शोर है, और भाई जब पैसे देखे हैं तो 120, व्हाई क्यों यार, नेट प्रॉफिट हमारा 100 शोर है, सारा कुछ कैश पर सेल हुआ हुआ है और इसमें 120 है, याद क्या है हमें फौरन, ओहो यार याद आया हमने नेट प्रॉफिट निकालते वक्त एक एक्सपेंस ऐसा लेस किया था जो कैश में तो था ही नहीं। आपको पता है ऐसा कोई एक्सपेंस होता है जो नॉन कैश हो, है कोई ऐसा एक्सपेंस जो नॉन कैश हो,
नहीं सर, थोड़ा सा सोच आ जाएगा जहन में, थोड़ा सा सोच कि यार वो कैश में तो नहीं होता लेकिन हम लेस करते हैं क्योंकि ये रूल है, थोड़ा सा सोचो। नहीं सोचो यार वो कैश में नहीं होता सर, उसकी हम कहीं पेमेंट तो करते नहीं लेकिन हमें उसे राइट ऑफ जरूर करना होता है, रीजन थोड़ा सा सोचो सर। डेप्रिसिएशन ऐसा एक्सपेंस जो कैश में तो होता नहीं, और डिस्काउंट तो लेस कर दिया ना आपने तो उसे तो लेस आपको कैश कम ही आएगा ना, 100 रुपए का था 80 रुपए आएंगे तो वो तो 80 होने। ऐसा एक्सपेंस जो में आपने राइट ऑफ जरूर करना है, लेस जरूर करना है लेकिन वो कैश में होता नहीं है, चलो उसका पहला वर्ड लिखता हूं, अगला तुम बताओ। डिविडेंड नहीं हो, पैसे देते हैं सर। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अबे यार डेप्रिसिएशन में कौन से पैसे बाहर जाते हैं, जाते हुए पैसे मैं तो कह सही कर रहा हूं, आवाज नहीं आ रही है भाई, एक बच्चे ने सही तरह कहा था मुझे आवाज नहीं पहुंची थी, डेप्रिसिएशन में कौन से पैसे जाते हैं लेकिन माइनस करने हैं। याद आया हमें, ओए यार याद आ गया हमें, क्या याद आया हमें, ये याद आया कि सेल्स जो थी और उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके ये 200 रुपए की थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने इसमें से 120 को लेस किया था और इस 120 में से हमारे पास, सॉरी 120 कह रहा हूँ, यहाँ से हमने अपने 40 को लेस किया था, 60 ग्रोस प्रॉफिट, 160 ग्रोस प्रॉफिट आ गया था, अदर एक्सपेंसेस हमने लेस किए थे वो हमारे पास थे कोई अल्लाह का भला करे 20 के तो वो 40 के तो वो हमारे पास आ गया था बेटा 120, और इन में एक डेप्रिसिएशन भी हमने लेस की थी 20 की तो आ गया था 100, तो 20 तो हमारे डेप्रिसिएशन जो है वो तो कैश में होती नहीं है इसलिए मेरे ड्रॉ में 120 पड़े हुए हैं। अब समझ आएगा ये बात, हालांकि डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में ही मौजूद होती है, ऑफिस की यहां पर ही मौजूद होती है लेकिन मैं अलहदा से शो करवा रहा हूं। जी बेटा क्लियर हुई बात कि प्रॉफिट 100 शो हो रहा था, प्रॉफिट जो है वो 100 शो हो रहा था जबकि 20 डेप्रिसिएशन लेस कर दी थी हमने इसलिए 100 शो हो रहा था, एक्चुअली में ये लेस तो हो गया लेकिन ये पैसों में कैश तो आउटफ्लो हुआ ही नहीं है, इसका कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता डेप्रिसिएशन का, वो पैसे तो मौजूद रहते हैं आपके पास, बस हमें एक वो मेथड है जो शो करवाना होता है इसलिए मेरी ड्रामे से 120 निकल आए। तो जब भी हमें कैश फ्लो में पहुंचना होगा हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड किया करेंगे डेप्रिसिएशन, ऐड बैक कर दो यानी कि इस 100 में 20 ऐड बैक कर दो कैश फ्लो पे पहुंच जाओगे। समझ आ गई बात बेटे? जी सर, बस यही समझाना था आज आप लोगों को और यही पढ़ाना था।